तो चलिए हम आपको एक ऐसी ही जगह दिखाते हैं जहाँ पे लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में कई ऐसी जगह हैं जो खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं स्थानों में से एक है दक्षिण भारत स्थित आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली शहर, जो कि अपने लकड़ी से बने खिलौनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिनका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। इतना ही नहीं, कोंडापल्ली में बने खिलौनों को भारत सरकार ने GI टैग से नवाजा है। GI टैग उन उत्पादनों के लिए दिया जाता है जो खास और एक प्रमुख भौगोलिक पहचान रखते हों। इन खास कोंडापल्ली खिलौनों को बनाने में किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन लकड़ी के खिलौनों को पारंपरिक तरीके से हाथ से ही बनाया जाता है। खिलौनों में प्रयोग होने वाली लकड़ी एक खास पेड़ तिल्ला पुनकी नामक पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनकी विशेषता यह है कि ये वजन में बहुत ही हल्की और नरम होती हैं। इन खिलौनों की खास बात यह है कि इनके चरित्र महाभारत रामायण से, पुराणों से, विभिन्न देवी देवताओं से, आम ग्रामीण जनजीवन से, राजदरबार से, नृत्य से या किसी युद्ध शैली के ही बनाए जाते हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति उभर कर सामने आती है। कोंडापल्ली की इस खिलौने बनाने की कला ने कोंडापल्ली को देश विदेश में पहचान दिलाई, जिसको बनाने के लिए कोंडापल्ली के लगभग 200 से अधिक परिवार इस पुश्तैनी कारोबार से जुड़े हुए हैं। लकड़ी के बने ये खिलौने अब बच्चों की दुनिया से लगभग गायब हो गए हैं। पहले जब बच्चा मम्मी के साथ बाजार जाता था, उसके हाथ में एक लकड़ी का खिलौना जरूर होता था। कहाँ गया वो लकड़ी के खिलौनों का संसार, ये सोचने वाली बात है। खिलौनों की जगह अब मोबाइल, वीडियो गेम और रोबोट्स ने ले ली है। छोटे बच्चे इन खिलौनों से खेलना तो छोड़िए, बाहर ग्राउंड में जाकर खेलना भी भूल गए हैं। बस उन्हें एक मोबाइल चाहिए। ये लकड़ी के बने खिलौने जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं, अब खोते जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इन खिलौनों को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तिल्ला पुनकी की लकड़ी को एक समान साइज में काटकर सुखाया जाता है, फिर इसे कारीगरों के पास भेजा जाता है। कारीगर तिल्ला पुनकी की लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को हाथ से अच्छे से तरासने के बाद इमली के बीज और लकड़ी के बुरादे से बनने वाली गोंद से चिपकाते हैं। इस गोंद को मक्कू कहा जाता है और साथ ही साथ इन खिलौनों को प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। इन खिलौनों पर किसी भी सिंथेटिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कारीगर इन तिल्ला पुनकी की लकड़ी के छोटे छोटे भाग को खिलौनों की आकृति दे रहे हैं। ये कारीगर बड़ी बारीकी से और पूरी शिद्दत के साथ इन लकड़ी को काट कर खिलौने बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये खिलौनों का संसार ही है, जो कि हमें नानी दादी की कहानियों से गली कूचे में लगने वाले मेलों तक दिखाई देते हैं। तो ऐसी सभ्यता को हमें मिलकर जिंदा रखना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।